तो दोस्तों देखिए कैसे बैठा धर्मवीर। भाई साहब कितना बड़ा पुल है भाई, रिस्क की भी अपना ख्याल रखना चाहिए। इधर जो ब्रिज की हाइट है ना 1942 फीट है, 1942 फीट, और ये नीचे रावी, इधर जो रावी नदी है वो बह रही है, और उस साइड है पंजाब, और यहाँ से जम्मू स्टार्ट हो जाता है कठुआ डिस्ट्रिक्ट। हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, क्या हाल चाल आप सबके, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो पहले मैं आप सबको दर्शन कराता हूँ, तीन बंदू के दर्शन कराओ भाई, इधर देखो शक्ल दिखाओ अपनी, ये लो इन सब के दर्शन कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आज हमारे व्लॉग में। तो इस वक्त मैं पठानकोट में, आपको पता ही है हम कॉलेज आए थे पेपर देने, तो अब हम जा रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं रोहित भाई? अटल सेतु ब्रिज, जो कि जम्मू और पंजाब को, कि हिमाचल को कनेक्ट करते हैं, तो आपको दिखाएंगे उधर। तो चलो चलते हैं, आप ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो देखो भाई, यहाँ पे चलते हुए चार भाई। रोहित भाई कुछ बोलना चाहोगे स्टार्टिंग के व्लॉग में? प्लीज़। तो भाई को आया जुकाम, आपको ये अंशुल भाई, तो भाई मैं भी ना एसिडिटी से बहुत बुरा हाल है मेरा, यहाँ पे हम ना यही फ्राई चीज़ें खा खा के हमारा बुरा हाल है। ये है यहाँ पे विजेंद्र भाई, हाँ। तो विजेंद्र भाई आप अपना बताएं, कैसा रहा आपका इधर मंथ? काफ़ी अच्छा रहा हमारा एक्सपीरियंस, हमने काफ़ी फास्ट फूड खाया। हाँ, फास्ट फूड भी, जो रोटी होती है ना घर की, प्योर रोटी और चावल, वो हमको नसीब नहीं हुआ अभी एक महीने से। तो भाई कह रहे हो उधर गोलगप्पे वाले को भी दिखाना, क्या कह रहे हो? डेली हमारा 50 रुपए का खर्चा होता था गोलगप्पे के लिए, 50 का खर्चा, और भी बड़े खर्चे थे वो हम बता नहीं सकते। तो ये है गोलगप्पे वाला, यहाँ पे खाते हैं हम गोलगप्पे। तो गाइज ये है पंजाबी ढाबा, ये है मित्रा का ठिकाना, यहाँ पे हम रोज खाते हैं राजमा चोल। क्या बुंगल का सबसे? तो अंशु भाई ने गाड़ी रखी है कॉलेज में, सीधा हम कॉलेज में ही पार्किंग रखी थी। तो भाई आ चुका है भाई गाड़ी लगा के, तो 02G4216 भाई, इस गाड़ी की खासियत बताओ दो तीन। ये चलती है रोड सही में भाई। पेट्रोल की है या पानी में, क्या चलता है? कुछ तो होगी स्पेसिफिकेशन इसकी, कोई स्पेशल चीज गैस पे है? पुलिया खाओ और गैस पे। तो भाई ये है अंशु भाई की गाड़ी और ड्राइवर साहब बैठे हैं। तो चलो भाई चलते हैं आप इधर से, अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ सीधा बुंगल पठानकोट से, जहाँ पे मेरा कॉलेज है, और मेरे फ्रेंड पीछे बैठे हैं गाड़ी में। तो अब हम जा रहे हैं सीधा नंगल डैम, जो कि पंजाब में सिचुएटेड है, वहाँ से जम्मू का बॉर्डर पड़ता है, और वो शॉर्टकट है जम्मू के लोगों के लिए भी। तो चलो वहाँ पर चल के आपको दिखाते हैं आगे हम क्या दिखाएंगे आपको, वो मुझे खुद भी नहीं पता है, पर दिखाऊँगा ज़रूर भाई। तो चलो 200 की स्पीड में चलते हैं और 5 मिनट में पहुँचते हैं सीधा नंगल डैम। तो दोस्तों देखिए कैसे बैठा धर्मवीर चोरी चोरी। एक्चुअली इसने बोला कि 200 की स्पीड से जाएंगे, पर एक्चुअली हमें पता लगा कि हमारी गाड़ी का जो लेफ्ट वाला टायर है वो पंचर हो चुका है, और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमारे धर्मवीर भाई जो है वो थोड़े से अपसेट दिखाई दे रहे होंगे। धर्मवीर भाई इधर आ जा। हाँ भाई, क्या हुआ आप बताएंगे हमारे दर्शकों को? पंचर हो गया, बहुत दुख लग गया मुझे। तब थोड़ा सा डिले हो जाएगा ना जाने में। सीन पता क्या, सारे पैसे मैंने लगवाए पंचर पे। ओहो, तो अभी अभी आपने सुना कि इतना मोटा खर्चा कराया इसने, 10 रुपए अपनी जेब से लगाए, तो उसी बंदे को फील होता है जिसने अपने जेब से पैसे लगाए हो। भाई रो रहा है या आंख में कुछ चला गया? भाई रो रहा हूँ भाई, रोले भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। इन्वेस्ट करके शो बनाने थे, पर चल रहे हैं। ट्रेडिंग करता है भाई तू 10 रुपए की? पर चोर बाजार में। ठीक है भाई, ओके भाई, ओके। ओ दोए अर्जेस्ट तो बोल धर्मवीर। तो
गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अटल सेतु रिवर पे, जो कि बसोली के पास पड़ता है। और आप देख सकते हो यहाँ से ये डैम, और ये जो सारे हैं ना रवि नदी है नीचे से, और हवा बहुत होगी इधर, तो ऐसा कुछ सीन है। देखिए आप कितनी सूरज की है, और पानी ना मुझे एंड नज़र ही नहीं आ रहा है, इतने दूर है। तो रोहित भाई कैसा लगा आपको इधर आके? इट्स अमेजिंग पहला दिन है। या ब्रो, तो ये रोहित भाई इसकी जो ब्रिज की हाइट है ना 1942 फीट है। और ये नीचे रावी इधर जो रावी नदी है वो बह रही है, और उस साइड है पंजाब, और यहाँ से जम्मू स्टार्ट हो जाता है कठुआ डिस्ट्रिक्ट। तो ऐसा कुछ है सीन, बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं पहली बार आया इधर क्या। तो गाइज आप देख सकते हो वहाँ पे बोटिंग होती है नीचे, वो देखिए यार, ये बहुत गहरा होगा मेरे हिसाब से, बहुत ही गहरा, ये डैम ही आप समझ लो इधर। तो यार ये गाइज कैसे फोटोग्राफी कर रहे हैं, दो दो बंदे एक बंदे को पकड़ के रखे हैं। तो ये है एक साइड, चलो अब मैं आपको दूसरा साइड भी दिखाता हूँ यहाँ से चढ़ के। ये देखो ये है दूसरा साइड यार, बड़ा सही है यार। मैं आपको पता है ये दिखाता हूँ, ये जो इसका पिलर बना है क्लोज से, आ गया दो मिनट। तो भाई बुला रहे हैं, तो उधर भी जाएंगे अभी। देखो यार कितना सही बना हुआ है यार, मैंने तो वीडियोस में ही देखा था, फोटोज में। वो देखो आप, वहाँ पे बंदा बोटिंग कर रहा है, वहाँ से रवि नदी स्टार्ट होती है वहाँ से। तो रवि नदी का ये डैम बनाया गया है भाई, बहुत ही गहरा यार, अलग ही सीन है यार इधर। देखो यार ऊपर ये, ये देखो आप, यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ और अंदर कोई नहीं है, वरना मैं उनसे पूछ लेता कुछ ना कुछ पुल के बारे में। ये देखो कितना ऊपर है, और देखो ये भाई, मुझे ना वीडियो बनाने का मन ही नहीं कर रहा, इतना सही है यहाँ पे भाई साहब, कितना बड़ा पुल है भाई। रिस्की भी अपना ख्याल रखना चाहिए इधर, जो भी यहाँ पे आए अपना ध्यान रखें, पानी के पास ना जाएं बिल्कुल भी। तो ऐसा कुछ सीन है, बंदे बुलाए मैंने इधर, शाबाश। रोहित भाई आज चीज़ एक दिखाता हूँ यार यहाँ से, देख यहाँ से साइड का व्यू पूरा मिल रहा है पुल का, हम यहाँ पे फोटो खिंचवाते हैं। देखा, चल चलो भाई फोटो खींचते हैं फिर। तो गाइस कैसा लगा आपको यहाँ पे वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, बाहर से कोई देख रहा है, ये पुल भी है जो बहुत ही पॉपुलर है, ये सारा हैंगिंग पुल है, और नीचे डैम की भी बहुत ज़्यादा ही क्या? फोन गिर जाएगा मेरा नीचे भाई, अगर यहाँ से फ़ोन गिर जाए कैसा होगा बता भाई, के 60,000-70,000 का नुकसान हो जाएगा सीधा। ये देखो भाई, इधर से भाई चूहे का बच्चा गिर सकता है, इंसान का बच्चा नहीं गिर सकता। देखो भाई पीछे से सूरज की किरणें, कुछ नहीं नज़र आ रहा यहाँ पे, पानी जहाँ पे देखो पानी है वहाँ पे बोट है, यहाँ पे नीचे अंकल एक थे अभी, वो देखो वहाँ पे बोट है भाई, यहाँ पे देखो मेरी हाइट के मेरी हाइट का ये लगाया गया है ये ग्रिल, ताकि सेफ्टी के लिए, देख सकते हो आप। और ये ना ये बड़ा भाई, तू देख रोहित कैसा, अब हम निकलने लगे, कैसा लगा इधर? इट्स क्वाइट फैंटास्टिक। वो हमारे ऋषि भाई और मंजीत भाई, धर्मवीर जी आज बहुत बुरी हालत, और ये हमारे ऋषि भाई और मंजीत भाई, क्या कहना चाहोगे भाई जी, कैसा लगा आपको इधर? बहुत बढ़िया, देखिए सबको मजा आया, तेरे को भी मजा आया, तेरे को भी आएगा, सबको मजा आया सबको। चलो अब चलते हैं आगे, कहीं चाय वाय पीते हैं, मैं उस साइड से जाऊंगा, चाय वगैरह पियेंगे वहां पे आगे जाके। ठीक है ठीक भाई, यहाँ के ही हैं, पठानकोट साइड के लोकल ही हैं, हमारे भाई हैं उधर कॉलेज के पास ही, बताते हैं चलो आगे। तो गाइज इतना ही था वीडियो में, हम पहुँच चुके हैं इधर वापस, अब गाड़ी ना कॉलेज पे लगाने जा रहे हैं विजेंद्र और मैं, तो इधर ट्रैफिक बहुत है, देख के करना है क्रॉस। तो चलो करते हैं आप वीडियो को एंड, अभी ना मैं सुबह बिना खाए गया था, तो अभी मुझे काफ़ी पतली मेरी हालत काफ़ी ना ख़राब हो चुकी है। बिना खाए कभी ट्रैवल ना करो, मजाक के बिना खा के ट्रैवल नहीं करना है, खा के रज के करो ट्रैवल। चलो
करते हैं अब ब्लॉग को एंड। ज़्यादा मैं इसकी वजह से वीडियो नहीं बना पाया, तो चलो अंदर घुसते हैं और दिखाते हैं कहाँ पे रखेंगे। हम पहुँच चुके हैं अब इधर से कॉलेज में, हम अपनी ये ना गाड़ी रखेंगे इधर कॉलेज में। चलो मैं ही खोल देता हूँ गेट बाहर निकल के। सर आ गए हैं, धुंध बड़ी पड़ी है, देखो कॉलेज नज़र नहीं आ रहा हमारा। बस तो गाइस पीछे लगा दी हमने गाड़ी, अब चलते हैं करते हैं व्लॉग को एंड। मज़ा आया पर मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरी ना हेल्थ थोड़ी ख़राब हो गई, क्योंकि मैं खाने के बिना ट्रैवल कर रहा था। तो बस चलो अब चलते हैं करते हैं व्लॉग को एंड। यहाँ पर मेरे साथ वजेंद्र भाई है, तो हमने पार्किंग लगा दी, ये हमारा कॉलेज है और ये देखो आग लगी हुई है। गर्मी कर लेते, लेट हो चुका है। बाकी चलो करते हैं व्लॉग को एंड, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, टेक केयर।